सर ईटीवी से मोहम्मद अशरफ। सर केसीसी लोन की जो लोन दिया जा रहा है ज़मींदारों को, पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ़ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से दुचार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी हुई जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा, क्या कोई प्रोग्राम है, प्लान है सरकार का कि वो जो केसीसी लोन है वो माफ़ किया जाए? जी वो माफ़ी वाला ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद देश में सबसे ज़्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की होगी। अब G20 से शुरू करता हूं। कल हम लोगों ने बैठक करी थी, अभी तक एक बैठक श्रीनगर में प्रस्तावित है। भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक बैठक जम्मू में भी हम करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए, अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था, बहुत भगवान की शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके, यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। ये जो नए कानून बनाए गए हैं, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे, और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए, और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदला नहीं, किस तरह के बदलाव हमने किए हैं। लैंड पासबुक 3 भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपये में लेकर के लोग राज कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा, पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर ये काम नहीं होने वाला। वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा। और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आज़ादी, बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाए। आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ ये सच है, दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे, निरंतर मैं उनके संपर्क में था, और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थी, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूँ। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए, डीसी एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नज़दीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा, हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर ज़िले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है, हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी, उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने ख़त्म किया है,
इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, एक दो बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए। उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी इम्प्लाइज हैं जो जम्मू से वहाँ जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीज़न के कर्मचारी, इसलिए कश्मीर डिवीज़न के कर्म डिस्ट्रिक्ट कार्डर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीज़न का इम्प्लाई है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है, संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही, मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने भी कल अखबार में पढ़ा, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक टाइपिंग एरर है, उसका सुधार हो जाएगा और संसद में भी उसका सही जवाब दे दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप चाय पर चर्चा करेंगे तो मैं 13-14 लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ और इवन 900 करोड़ इन्वेस्ट किया है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करके जब बड़ी वाली फैक्ट्री लगेगी तो वहीं आपसे फोटो खिंचवाऊंगा, आपको विशेष मिठाई खिलाऊंगा। ये ACS होम, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे इंटेलिजेंस के लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है, कौन नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ नीतिगत तौर पर कि हिस्सा जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी फील्ड में।